हाय स्टूडेंट्स मु संतोष कुमार सिंहलाल आपण मानकु स्वागत करूची आमो चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर बाय एसकेएस को। आजर वीडियो रे आमे पढ़िबा आमे पढ़ुचु शिक्षाविद मानंकर अवदान। सही क्रम रे आमे पढ़िबा जीन जैक्स रूसो बा रूसोंक शिक्षा दर्शन। एठारे आमे पढ़िबा रूसोंक जीवनी, शिक्षार उद्देश्य, रूसोंक मतरे तृतीय रे पढ़िबा नास्तिवाचक शिक्षा बा जहाँ कि आमे प्रकृति शिक्षा बोली मध्य कही था ताहा कौन नास्तिवाचक शिक्षार केतोटी वैशिष्ट्य पढ़िबा। यहाँ पढ़िबा रूसोंक मतरे शिक्षार विभिन्न स्तर, शिक्षादान प्रणाली एवं शिक्षकंक भूमिका कौन हेबा उचित यहाँ पढ़िबा। एहा पूर्वरु आम चैनल रे शिक्षाविद मानंक अवदान क्रम रे महात्मा गांधी ओ गोपबंधुंक दुई गोटी वीडियो अपलोड होई सारिछि। आपण जदि ताहा देखि नाहांती ताहार लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि, देखि देबे। तो आरंभ करिबा, प्रथमे बुझिबा रूसोंक जीवनी। पृथ्वीर सर्वकालीन श्रेष्ठ दार्शनिक मानंक मध्यरु रूसो जणे अन्यतम श्रेष्ठ दार्शनिक थिले। से 1712 मसीहारे जेनेवा नामक एक सहर रे जन्मग्रहण करिथिले। तांको पितांको नाम थिला आइजाक रूसो एवं से जणे घंटा मरामती करिबा कार्य करूथबा व्यक्ति थिले। एवं से निजर बाल्य समय रु ही निजर मातांकु हराई बसिथिले। आमे जदि व्यक्तिगत भावरे रूसो किपरि थिले जानिबा, रूसो व्यक्तिगत भावरे एक जिद्दखोर ओ अत्यंत अभिमानी छात्र थिले। से निज छात्र समय रे रेगुलर स्कूल को जीवा बा प्रत्येक दिन स्कूल को जीवा को पसंद करू नथिले। से एही धराबंधा जीवन मध्य तांकु विशेष भावरे आकृष्ट करि पारु नथिला। आमे कहि पारिबा से एक आदर्शहीन छात्र थिले, किंतु परवर्ती अवस्था रे तांकर शिक्षा दर्शन समग्र शिक्षा क्षेत्र रे एक व्यापक परिवर्तन आणिबा पई सक्षम थिला। तो आमे तांकर शिक्षा दर्शन किभली जानी थाउ, रूसो तांकर शिक्षा दर्शन को एमिली नामक एक पुस्तक माध्यम रे प्रकाशित करिथिले। एही पुस्तकटी 1762 मसीहा रे प्रकाशित होइथिला एवं एहा पांचोटी भाग रे विभक्त थिला। प्रथम चारोटी भाग एमिली नामक एक काल्पनिक शिशुर बा पुअर शिक्षा विषय रे वर्णित थिला एवं एहार पंचम भागटी सोफी नामक एक काल्पनिक झियर शिक्षा विषय रे वर्णित थिला। द्वितीय रे बुझिबा रूसोंक मतरे शिक्षार उद्देश्य कौन हेबा उचित। शिशुर स्वाभाविक सामर्थ्य गुड़िकर सुषम विकास शिक्षार महत उद्देश्य हैला जे शिशुर स्वाभाविक सामर्थ्य गुड़िकर सुषम भावरे किभली विकास करा जाई पारिबो। द्वितीय रे हैला परिवेश सहित खाप खुआई चलिबा सिखाइबा। शिक्षाटी एभली हेबा उचित जहाँ द्वारा शिशुटी परिवेश सहित किभली भावरे खाप खुआई चली पारिबो ताहा अभिज्ञ होई पारिबो। तृतीय रे हैला इंद्रियानुभूति विकास करिबा। इंद्रियानुभूतिर विकास कौन करिथाए शिक्षण को दीर्घस्थायी करिथाए एवं शिशुटीर सही शिक्षाटी ताहा दीर्घस्थायी होई रही थाए। तेणु इंद्रियानुभूतिर विकास करिबा। एहा परे रूसो बयसर विभिन्न सोपानरे शिक्षार उद्देश्य विषय रे मध्य सूचना प्रदान करिथिले। सही अनुजाई जदि आमे देखिबा रूसोंक मतरे शैशव शिशुटीर शैशव अवस्था रे शिक्षार उद्देश्य कौन हेबा उचित। स्थिरीकृत स्वाधीनता, शिशु को स्वाधीनता मध्यम रे ताहार इच्छा अनुजाई कार्य माध्यम रे किभली भावरे शिक्षा ग्रहण करि पारिबो ताहार स्वाधीनता देबा उचित। द्वितीय रे हला बाल्यावस्था। बाल्यावस्था रे एहा शिशु पाई अंग प्रत्यंग चालनार समय, तो सही समय रे अंग प्रत्यंग ओ व्यायाम उपरे गुरुत्व देबा उचित। तृतीयटी हला प्रौढ़ावस्था। एही समय रे पढ़िबा परिश्रम करिबा भली मानसिक शिक्षा दिया जिबा उचित जहाँ कि छात्रर बा शिशुर सामग्रिक विकास रे सहायक होई पारिबो। एवं चतुर्थरे यौवनावस्था। यौवनावस्था रे कौन शिक्षा दिया जिबा उचित। रूसोंक मतरे सामाजिक, नैतिक ओ आध्यात्मिकता भावनार विकास किभली भावरे शिक्षार्थी ठारे होई पारिबो ताहा यौवनावस्था शिक्षार मूल लक्ष्य हेबा उचित। तृतीय रे बुझिबा नास्तिवाचक शिक्षाटी कौन। रूसो कहुतिले सही शिक्षा हेउछि नास्तिवाचक शिक्षा जहाँ प्रत्यक्ष भावरे कौनसी विषय रे शिक्षा देबा पूर्वरु शिक्षार्थीर इंद्रिय
ओ मन को संपूर्ण भावरे सजाग करबा को चेष्टा करी थाए तो यहा रुसों को मतरे थिला एवं से कहुतले यहा धर्म बा नीति शिक्षा दिए नाही एही नास्तिवाचक शिक्षाटी धर्म किंबा नीति शिक्षा मध्य देई नथाए शिशुर प्रकृति शक्ति ओ शारीरिक आग्रहर बाधाहीन विकास माध्यम रे प्राकृतिक शिक्षा हेउची नास्तिवाचक शिक्षा एठारे गुरुत्वपूर्ण विषयटी हेला जे एही शिक्षा रे को कहा को गुरुत्व दिया जाय थाए शिशुर प्रकृति ताहार शक्ति ओ शारीरिक आग्रह रो बाधाहीन विकास किभली भावरे होई पारिबो ताकु गुरुत्व प्रदान करा जाय जो प्राकृतिक शिक्षा दिया जाय थाए ताहा हेउची नास्तिवाचक शिक्षा नास्तिवाचक शिक्षा रे केउ विषय किभली भावरे शिक्षा दान करा जिबा उचित ताहा मध्य रुसो सूचना प्रदान करितिले रुसोंक मतरे शारीरिक शिक्षाटी खेलकूद माध्यम रे ही दिया जिबा उचित एवं द्वितीय रे ज्ञानात्मक शिक्षाटी कोनोसी विषय रे शिशु उपरे लदी दिया जिबा अनुचित कोनोसी विषय को शिशु को बाध्यतामूलक भावरे करिबा पई ता उपरे लदी दिया जिबा अनुचित अटे एवं तृतीय रे नैतिक शिक्षाटी सर्वदा कर्म माध्यम रे हेबा उचित चतुर्थ पॉइंट टी हेला रुसोंक मतरे शिक्षार विभिन्न स्तर रुसो छात्र मानंक वयस अनुजाई विभिन्न सोपान रे विभक्त करितिले ओ सेही अनुजाई शिक्षा कोण हेबा उचित ताहा मध्य कहितिले तांक मतरे प्रथम स्तर टी हेला शैशव अवस्था एवं एहार वयस हेला जन्मरु 3 वर्ष पर्यंत एही समय रे शिशु को प्राकृतिक परिवेश मध्य रे छाड़ी दिया जिबा उचित शिशुटी जेही भली जेउ भली भावरे प्राकृतिक परिवेश रे निजे शिक्षा ग्रहण करिवो ताहा हेबा उचित द्वितीय अवस्था टी थिला बाल्यावस्था एहार वयस सीमा 3 वर्षरु 12 वर्ष पर्यंत एही समय रे शिशु ताहार रुचि सामर्थ्य ओ आग्रह अनुजाई शिक्षा ग्रहणर स्वाधीनता पाइबा उचित शिशु को ताहार रुचि कोन अछि आग्रह केउथिरे अछि ओ ताहार सामर्थ्य केते सेही अनुजाई शिक्षा ग्रहण करिवार संपूर्ण स्वाधीनता दिया जिबा उचित तृतीय सोपानटी हेला किशोर अवस्था एहार वयस सीमा हेला 12 वर्षरु 15 वर्ष एही समय हेउछि विद्या अर्जनर समय बा प्रकृत समय एही समय रे शिशुर शारीरिक ओ मानसिक विकास होइथाय तेणु एही स्तरटी हेउछि विद्या अर्जनर प्रकृत स्तर चतुर्थटी हेला यौवनावस्था एहार वयस सीमा हेला 15 वर्षरु 20 वर्ष एहा चरित्र गठनर समय एही समय रे आमे शिशु को नैतिक सामाजिक मूल्यबोधर शिक्षा देबा उचित पंचम पॉइंटटी हेला नास्तिवाचक शिक्षार वैशिष्ट्य आमे प्रथमे बुझिबा एहार प्रथम पॉइंट शिशु केंद्रिक शिक्षा रुसोंक मतरे शिक्षा व्यवस्थाटी सर्वदा शिक्षार्थी केंद्रिक हेबा उचित शिक्षा व्यवस्थाटी सर्वदा शिक्षार्थी को देखी शिक्षार्थी पाई शिक्षार्थी को सेंटर बा मध्यरे रखी सेही शिक्षा व्यवस्थाटी निर्धारित करा जिबा उचित एठारे आउ कहा को गुरुत्व देबा जिबा उचित शिशुर अंतर्निहित शक्ति सामर्थ्य रुचि आग्रह ओ आवेग को गुरुत्व दिया जाय शिक्षादान प्रणालीटी निर्धारित हेबा उचित जे शिशुर केउथिरे आग्रह रहुचि ताहार रुचि कोन ताहार शक्ति कोन ताहार सामर्थ्य कोन एही सब विषय को गुरुत्व दे सर्वदा शिक्षा प्रणालीटी निर्धारित करबा उचित द्वितीय पॉइंट जी हला संपूर्ण स्वाधीनता शिशुर अंतर्निहित शक्ति सहित ताहार सर्वांगीन विकास पई एक मुक्त प्राकृतिक परिवेश रो आवश्यकता रहिछि आमे जदि चाहुचु जे शिशुर सर्वांगीन विकास करिबा एवं शिशुर सेही अंतर्निहित प्रतिभार विकास करिबा तेणु आमको कोन करबाकु पडिबो शिशु पई एक संपूर्ण मुक्त परिवेश प्रोवाइड करबाकु पडिबो एक संपूर्ण मुक्त प्राकृतिक परिवेश प्रोवाइड करबाकु पडिबो तो शिशु को संपूर्ण स्वाधीनता प्रदान कले ताहा शिशुर अभिवृद्धि ओ विकास दिगरे सहायक होई शिक्षण को आनंददायी ओ दीर्घस्थायी करिथाय शिशुटी जदि सेही संपूर्ण मुक्त प्राकृतिक परिवेश पाइबो ताहा कोन करिबो ताहार अभिवृद्धि ओ विकास दिगरे सहायक होई सेही शिक्षण प्रणाली को आनंददायी करिथाय शिक्षणटी दीर्घस्थायी मध्य होइथाय
नास्तिवाचक शिक्षार तृतीय वैशिष्ट्यटी हेला पुस्तकगत ज्ञानर विरोध। रुसोंक मतरे पुस्तकगत ज्ञान जटिल कृत्रिम काल्पनिक ओ अवास्तव अटे। एही पुस्तकगत ज्ञान को आम पाथेय करी जदि शिक्षार्थी मानंकु शिक्षा देबा ताहा केबे मध्य फलप्रद होइ पारिबो नाही। तेणु रुसो पुस्तकगत ज्ञान को सर्वदा विरोध करूथिले। तांको मतरे एही शिक्षार प्रत्यक्ष अनुभव ओ अभिज्ञता प्राप्त ज्ञान उपरे अधिक गुरुत्व दिया जिबा उचित। तो से ही नास्तिवादी शिक्षार काहाकु अधिक गुरुत्व दिया जाउतला एठारे अनुभव जहाँकि प्रत्यक्ष अनुभव आम करिपारिबा एवं अभिज्ञता प्राप्त ज्ञान को अधिक गुरुत्व दिया जाउतला। यार चतुर्थ पॉइंट टी हेला इंद्रिय प्रशिक्षण उपरे गुरुत्व। रुसोंक मतरे मणिषर इंद्रिय हेउची ज्ञानर द्वार सदृश। आमर जो ज्ञानर द्वार हेउची आमर इंद्रिय जे आमे जे एठारे कहुचु शिशु बा शिक्षार्थी शिक्षार्थी मानंकर से ही ज्ञानर द्वार हेउची तांकर इंद्रिय। तो से कहुतिले इंद्रिय मानंकर प्रशिक्षण द्वारा इंद्रियानुभूति संभव होइथाय जहाँकि ज्ञान प्राप्तिर मार्ग परिष्कार करिथाय। तो से ही इंद्रियानुभूति किभली होइथाय इंद्रिय मानंकर तालीम द्वारा इंद्रियानुभूति होइथाय ओ इंद्रियानुभूति कौन करिथाय ज्ञान प्राप्तिर मार्ग को परिष्कार करिथाय। शिशु प्रति विषय गुड़िक अधिक बोधगम्य होइ पारिथाय। एणु शिशुर इंद्रिय समूह को तालीम दे पारे अर्जित ज्ञान दीर्घस्थायी हो पार। तेणुक आम जदि शिशु मानू इंद्रिय संपर्कित तालीम प्रदान करवा ताहेले कौन है शिक्षाटा बा सही शिक्षाटी दीर्घस्थायी हो रही पार। परवर्ती पॉइंट टी हेला शिक्षादान प्रणाली। रुसोंक मध्यरे शिक्षादान प्रणालीटी किभली हेबा उचित। तो यार चारि गोटी मुख्य पॉइंट्स पढ़िबा आमे। प्रथम हेला कार्य माध्यम रे शिक्षा। रुसोंक मध्यरे कार्य माध्यम रे शिक्षा लाभ कले शिक्षणटी दीर्घस्थायी होइथाय एवं एहा द्वारा शिशुर एकाग्रता विकसित हेबा सहित ताहार हस्त ओ पादर चालना जोगु से सर्वदा प्रफुल्लित रहिथाय एवं शिक्षणटी एहा द्वारा कोन होइथाय दीर्घस्थायी होइथाय। तेणु आमे कार्य माध्यम रे शिक्षण को गुरुत्व देबा उचित। द्वितीयटी हेला खेल माध्यम रे शिक्षा। साधारणतः शिशु माने खेल प्रिय होइथांति तेणु से मानंकु सर्वदा खेल माध्यम रे शिक्षा देले ताहा फलप्रद हेबार संभावना अधिक थाए। तो आमे स्कूल गुड़िक रे कोन विभिन्न खेल माध्यम रे जदि तांकु शिक्षा देबार व्यवस्था करिबा ताहा अधिक फलप्रद रहिबो। तृतीयटी हेला प्रत्यक्ष अनुभूति। शिक्षार्थीटी कौनसी जिनिष को प्रत्यक्ष भाव में अनुभव करी शिक्षा ग्रहण कले शिक्षणटी दीर्घस्थायी होइथाय। मन करंतु आमे जदि कौनसी विषय रे जदि शिशु को शिक्षा देउचु जदि सही विषय को शिशु आगरे जदि पारिबा प्रत्यक्ष भाव में उपस्थित करी रखिले शिशुटी से ही प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा अधिक किछि शिक्षा लाभ करि पारिबो एवं तहार शिक्षाटी दीर्घस्थायी मध्य होइ पारिबो। शेष पॉइंट टी हेला यार आविष्कारमूलक पद्धति। शिक्षार्थी को ताहार ज्ञान और अभिज्ञतार प्रयोग करी नूतन ज्ञान आहरण करिबार सुजोग पाई सृष्टि करिबा सुजोग सृष्टि करिबा उचित। ताहार जो पूर्व अभिज्ञता अच्छी ताहार जो शक्ति सामर्थ्यगत ज्ञान अच्छी ताहार आधार रे से किभली नूतन ज्ञान आहरण करिबा सेथिपाई आमे माने सुजोग सृष्टि करिबा उचित। आमर आजिरो भिडियोर शेष पॉइंट टी हेला शिक्षकंक भूमिका बा रुसोंक मतरे शिक्षकंक भूमिका कौन हेबा उचित। तो रुसोंक मतरे शिक्षकंक कार्य एक तत्वावधारकर हेबा उचित जेहेतु रुसो सर्वदा कहुतिले जे शिक्षा व्यवस्थाटी सर्वदा चाइल्ड सेंट्रेड हेबा उचित बा शिक्षार्थी केंद्रिक हेबा उचित। आमे बा शिक्षक जनक शिक्षार्थी को केन्द्र रे रखी शिक्षादान करिबा उचित। तेणु से कहुतिले जे जणे शिक्षकर भूमिका केवल तत्वावधारक बा मार्गदर्शकर हेबा उचित। से कहुतिले जे शिक्षक जनक शिक्षार्थीर आवेग बयस ओ इच्छा शक्ति को अनुध्यान करी ताकु स्वाधीन भाव रे शिक्षा ग्रहण रो सुजोग देबा उचित। प्रत्येक शिक्षक कौन करिबा उचित से ही शिक्षार्थीर आवेग ताहार बयस केते ओ इच्छा शक्ति किभली अछि ताकु ठीक भाव रे प्रथमे अनुध्यान करिबा उचित एवं अनुध्यान करि सारिबा परे ताहाकु किभली भाव रे स्वाधीन भाव रे शिक्षा ग्रहण रो सुजोग दिया जाई पारिबो ताकु ध्यान देबा उचित। तो से कहितिले
जे शिक्षकक भूमिका जणे तत्वावधारकर हेबा उचित। आजिर भिडियो आमे पढ़ला जीन जैक रुसोंक शिक्षा क्षेत्र में अवदान। आशा करूची भिडियोटी आपण मानक उपयोगी होइतिबो। जदि भिडियोटी भल लागिला भिडियोटी रे लाइक करंतु। आपण मानक किभली भिडियो दरकार ताहा कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबरे जणांतु ओ एही भले शैक्षिक भिडियो गुडी को पाइबा पई सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को ओ बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु। एहा द्वारा आपण आम चैनल रे अपलोड होतबा भिडियो गुडी कर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई पारिबे। धन्यवाद।